सो हे गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि चाय पीने का अपना ही मजा है, पबजी खेलने का अपना ही मजा है, सुबह टहलने का अपना ही मजा है, तो इन सबको इंग्लिश में कैसे कहेंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। अगर कुछ सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना ही मजा है, इसे इंग्लिश में कहेंगे इट्स ओन फील, इट्स ओन फील। इसका बनाने का रूल देखते हैं। इसका रूल है, नाउन होगा तो नाउन लगाएंगे, या वर्ब होगा तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद से हैज या हैड लगाएंगे। आपको बता दें कि अगर प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो हैज लगेगा, अगर पास्ट में रहेगा तो हैड लगेगा। जैसे कि चाय पीने का अपना ही मजा है, अपना ही मजा है यानी है आ रहा है, तो यह प्रेजेंट टेंस में है तो इसमें हैज लगेगा। और चाय पीने का अपना ही मजा था, तो अपना ही मजा था या पास्ट में है तो इसमें हैड लगेगा, उसके बाद से इट्स ओन फील लगेगा। चाय पीने का अपना ही मजा है, टेकिंग टी हैज इट्स ओन फील, टेकिंग टी हैज इट्स ओन फील। पबजी खेलने का अपना ही मजा है, प्लेइंग पबजी हैज इट्स ओन फील, प्लेइंग पबजी हैज इट्स ओन फील। पिज्जा खाने का अपना ही मजा है, ईटिंग पिज्जा हैज इट्स ओन फील, ईटिंग पिज्जा हैज इट्स ओन फील। क्रिकेट खेलने का अपना ही मजा था, देखिए ये पास्ट टेंस में आ गया, अपना ही मजा था, तो इसे बनाएंगे प्लेइंग क्रिकेट हैड इट्स ओन फील, प्लेइंग क्रिकेट हैड इट्स ओन फील। गर्लफ्रेंड से बात करने का अपना ही मजा है, टॉकिंग टू गर्लफ्रेंड हैज इट्स ओन फील, टॉकिंग टू गर्लफ्रेंड हैज इट्स ओन फील। अब दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। अगला स्ट्रक्चर है हमारा, मन नहीं भर सकता। जैसे कि मुझे पबजी खेलने से मन नहीं भर सकता, मुझे तुमसे बात करने से मन नहीं भर सकता, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे कांट गेट इनफ, कांट गेट इनफ यानी कैन नॉट गेट इनफ। इसका रूल है, सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट गेट इनफ प्लस ऑफ प्लस अवर्ब की आईएनजी फॉर्म। एग्जांपल देखते हैं, मेरा पबजी खेलने से मन नहीं भर सकता, आई कांट गेट इनफ ऑफ प्लेइंग पबजी, आई कांट गेट इनफ ऑफ प्लेइंग पबजी। मेरा तुमसे कभी मन नहीं भर सकता, आई कैन नेवर गेट इनफ ऑफ यू, आई कैन नेवर गेट इनफ ऑफ यू। कभी नहीं के लिए नेवर का यूज किया गया है, नॉट को हटा दिया गया है। अगला स्ट्रक्चर है हमारा, मन भर गया है। जैसे कि पबजी खेलने से मन भर गया है, स्कूल जाने से मन भर गया है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे हैज या हैव गॉट इनफ ऑफ, हैज या हैव, ये टेंस के अनुसार बदलेगा, गॉट इनफ ऑफ। एग्जांपल देखते हैं, उसका स्कूल जाने से मन भर गया है, ही हैज गॉट इनफ ऑफ गोइंग टू स्कूल, ही हैज गॉट इनफ ऑफ गोइंग टू स्कूल। मेरा तुमसे बात करने से मन नहीं भरा है, आई हैव नॉट गॉट इनफ ऑफ टॉकिंग टू यू, आई हैव नॉट गॉट इनफ ऑफ टॉकिंग टू यू। मेरा पढ़ाई से मन भर गया है, आई हैव गॉट इनफ ऑफ स्टडी, आई हैव गॉट इनफ ऑफ स्टडी।